नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। कई दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्राम पंचायत शादीपुर कला में नहर की पटरी टूट गई, जिससे खेतों के साथ साथ गांव के प्राथमिक विद्यालय में भी पानी भर गया। बता दें कि हल्दौर ब्लॉक के शादीपुर कला गाँव में कुछ दिन पहले भी नहर की पटरी टूट कर जल भराव होने से फसलों का काफी नुकसान हुआ था। सिंचाई विभाग द्वारा नहर का पानी बंद कर दिया गया था। बृहस्पतिवार को पटरी की मरम्मत भी शुरू हो गई थी, परंतु शुक्रवार को अचानक नहर में पानी आने से पटरी फिर से टूट गई, जिससे गांव के मुख्य मार्ग के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय में भी लगभग एक फुट पानी भर गया। विद्यालय स्टाफ पानी में चलकर विद्यालय पहुंच रहा है और पानी में ही बैठने पर मजबूर है। सांप बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़े पानी में बहकर आने से स्टाफ में डर का माहौल है। विद्यालय स्टाफ ने बताया कि विद्यालय के सामने हर समय पानी भरा रहता है, जिससे स्टाफ और बच्चों को बहुत परेशानी होती है। बार बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हल्दौर से नौरोज हैदर की रिपोर्ट। स्पाइक क्लिनिक हड्डियों व नसों से संबंधित किसी भी बीमारी का पक्का इलाज डॉक्टर एच के पूर्व चिकित्सक भारतीय सर्वश्रेष्ठ नौसेना अस्पताल नई दिल्ली। पता स्टेशन चौराहा चौधरी फर्नीचर के सामने नजीबाबाद रोड किरतपुर। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुचिका गान है। मैं यहाँ सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हूँ। इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय शादीपुर गला। यहाँ पर 3 दिन से नहर टूटने के कारण काफ़ी जलभराव की स्थिति हो रही है, जिसमें सांप केंचुए और बिच्छू वगैरह बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि ये रोड थोड़ी सी ऊपर बन जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, सही हो जाए और हमारी स्कूल की स्थिति थोड़ी और सही हो जाए, जिससे यहाँ जलभराव की स्थिति ना बने, जिससे हमें भी दिक्कत हो रही है और आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बच्चों को भी। गाँव का पानी, क्या आपने मैम किसी अधिकारी को सूचित किया है इसके विषय में? हाँ जी, किया हुआ है। जो हमारे बीएसए सर है उनको फोटो वगैरह भी भेजे हुए हैं। बीएसए ऑफिस से कोई रिप्लाई आया है मैम? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। ओके मैम, थैंक यू। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं यहाँ शिक्षा मित्र के पद पर तैनात हूँ और ये प्राथमिक विद्यालय शादीपुर कला है जो हल्दौर ब्लॉक में आता है। यहाँ जो पानी की समस्या है, अब तो नहर टूटी है, लेकिन इससे पहले भी जो मतलब गांव का पानी है उसकी कहीं को भी निकासी नहीं है और वो पानी आके स्कूल के सामने भर जाता है और कोई भी बच्चों के जो भी मतलब बहुत परेशानी हो रही है। इतनी मतलब खड्डे हो चुके हैं यहाँ, उससे सारा स्कूल मतलब बहुत ही गंदगी और बहुत ही मतलब सांप बिच्छू ये चीज़ें तो मतलब एक आम बात हो चुकी है यहाँ, और इसका हम चाहते हैं कोई ना कोई निराकरण जल्दी से जल्दी हो। और देखिए ऐसी इसमें मतलब कितना पानी भरा हुआ है, इसमें मतलब आकर बैठना पड़ रहा है। सब अध्यापिकाएं हैं 3 यहाँ और एक मैं भी हूँ और सभी लोग मतलब जाने कैसे करके यहाँ इस पानी में बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं हमारी समस्या का जल्दी समाधान हो। अभी तो बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी समस्या होने वाली है जब बच्चे स्कूल आने लगेंगे। ये पानी की समस्या कब से बनी हुई है फिलहाल? पानी की समस्या तो कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं जब से बनी हुई है। ये तो अब तो एक मतलब एक आपदा आ गई, जो ये नहर टूट गई इसकी वजह से मतलब पानी आ गया है। नहर टूटने की वजह से 2 बार नहर टूट चुकी है 15 दिन के अंदर। और जो गांव की जो समस्या है, जो गांव का जो पानी आता है उसकी निकासी कहीं नहीं है, लाकर पानी स्कूल के पास में छोड़ दिया गया है। इसके लिए आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की है? हाँ, शिकायत तो हमारी मैडम ने एवीएसए सर से मतलब बताई है, लिखित में दिया है कि ये मतलब ऐसे ऐसे पानी भर रहा है कुछ, या तो यहाँ स्कूल के सामने जिससे हमारे बच्चों को आने में कोई परेशानी ना हो ऐसा कुछ कर दिया जाए। और जो भी हो मतलब इस चीज़ का हमने बता रखा है। थैंक यू। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।